हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। और आज का जो वीडियो है वो जो है आपका बिहार एस्टेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो है कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के, और उस पर जो है सवाल उठाए थे। सवाल इसलिए उठाए थे क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे अभ्यर्थियों के, जिनके जो है बहुत अच्छे नंबर थे ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, उसके बाद उनके नंबर जो है कम हो गए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठ गया कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसको जो है कहाँ तक सही माना जाए, कहाँ तक गलत माना जाए। और कल मैं पूरा दिन जो है गूगल पे जो है सर्च करता रहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरीके के एग्जाम्स पे जो है लागू होती है। और देखने के लिए यही मिला कि इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर जो है पहले भी जो है हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जो है इस प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए गए और अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक चीज ये देखने के लिए मिली है कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो ज्यादातर जो है भर्ती परीक्षाओं पे लागू होती है। तो यहाँ पर जो है जो ये जो एस्टेट 2019 हुआ था ये तो एक पात्रता परीक्षा थी, इस पे लागू होगा कि नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिली, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो एक्यूरेसी होती है उसमें बहुत तक जो है सहयोग होता है निगेटिव मार्किंग का। यानी निगेटिव मार्किंग जो अगर किसी एग्जाम में है तो भी जो है मैंने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है उसमें अपनाया जाता है, क्योंकि वहां पे जो है एक्यूरेसी के आधार पे, ठीक है, एक्यूरेसी के आधार पे जो अभ्यर्थी जो है क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसके हिसाब से एवरेज मार्किंग करके तब वो जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत जो है नंबर निकाले जाते हैं। और वहां पर जब इस तरीके से जो है काम किया जाता है, एनपी कैलकुलेट की जाती है, तो इस प्रकार से ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं, 4 या 5 अंक का ही आता है। लेकिन यहाँ पर बिहार एसटीटी में देखने के लिए मिल रहा है कम से कम जो है 25 अंक 30 अंक का डिफरेंसेस जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ सवाल मेरे मन में है जिनको मैं आपके सामने जो है रखना चाहता हूँ, और बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के सामने भी, जो बीएसईबी बोर्ड है उसके सामने भी सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें क्या ये दिक्कतें हैं या इनका जो है क्या सोल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने जो है एक लिस्ट तैयार की है जिसमें जो है तकरीबन 10 क्वेश्चन है, ठीक है, वो 10 सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ। और आप सभी अभ्यर्थी भी इसका जो है कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा ताकि कोई सार्थक हल इसका जो है निकल सके, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए जो है सबसे पहला जो है जो क्वेश्चन है वो मैं पहले क्वेश्चन जो है पढ़ देता हूँ कि मेरे जो मन में सवाल चल रहे हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो वैधता का जो आधार है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वैधता का आधार क्या है। दूसरा जो है क्वेश्चन है कि क्या बिना निगेटिव मार्किंग के लागू करके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से शुद्ध परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग जो है लागू नहीं की गई, नकारात्मक अंकन सिस्टम पद्धति जो है लागू नहीं की गई, तो क्या एनपी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उससे शुद्ध परिणाम या शुद्ध जो है रिजल्ट पाया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या एस्टेट 2019 में निगेटिव मार्किंग थी। फिर जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कठिनाई या सरलता का जो स्तर होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं जो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें जो कठिनाई या सरलता का स्तर होता है वो कौन तय करता है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एस्टेट 2019 में अपनाया गया फार्मूला, क्या एस्टेट 2019 में अपनाया गया फार्मूला निगेटिव मार्किंग पे आधारित फार्मूला था, ठीक है। उसके बाद जो है छठा है क्या प्रत्येक शिफ्ट पर, क्या प्रत्येक शिफ्ट जो बिहार स्टेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है क्या प्रत्येक शिफ्ट पर अलग अलग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है कैलकुलेट किया गया था या एक साथ किया गया था। तो ये 6 सवाल थे। और जो 7वां सवाल है वो है कि अगर सभी शिफ्ट पर एक साथ, अगर सभी शिफ्ट पर एक साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है लागू किया गया है तो अलग अलग विषय के लिए कठिनाई या सरलता का स्तर क्या था। 7वां क्वेश्चन नंबर फिर से सुन लीजिए, अगर सभी शिफ्ट पर एक साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है लागू किया गया है तो अलग अलग विषय के लिए कठिनाई का या सरलता का स्तर जो है कैसे तय किया गया। उसके बाद जो है 8वां जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि क्या एस्टेट 2019 के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में सभी विषयों की परीक्षा को एक ही शिफ्ट माना गया है या विषयवार अलग अलग शिफ्ट माना गया है, ठीक है। फिर से इसको सुन लीजिए कि 8वां, क्या एस्टेट 2019 के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में सभी विषयों की परीक्षा को एक ही शिफ्ट माना गया है या विषयवार अलग अलग शिफ्ट माना गया है, ठीक है। इसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बिहार एस्टेट 2019, क्या बिहार एस्टेट 2019 की सभी विषयों की परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हुई थी, क्या बिहार एस्टेट 2019 की सभी विषयों की परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में हुई थी या एक साथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार एस्टेट 2019 में एक विषय की परीक्षा कितने शिफ्टों में आयोजित की गई थी,
बिहार स्टेट 2019 में एक विषय की परीक्षा कितने शिफ्टों में आयोजित की गई थी। तो ये जो है मेरे 10 प्रश्न हैं जिनके आधार पर जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो है पूरी एक्सप्लेनेशन जो है देखने के लिए मिल सकती है, और इसी आधार पे मुझे लगता है कि जो रिजल्ट जो आया है वो सही है गलत इसका फैसला भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आप बात कर लेते हैं जो पहला क्वेश्चन पुटअप किया था मैंने कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो वैधता का आधार है वो क्या है। अभी तक गूगल सर्च में मुझे देखने के लिए यही मिला है कि चाहे RRB की भर्ती हो, चाहे NTPC की भर्ती हो, चाहे SSC की भर्ती हो, ठीक है, या बैंक PO की भर्ती हो, इन सब में जो है ऑनलाइन एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया और वहां पर जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है फॉलो किया गया, लेकिन वहां पर निगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान था इसलिए वहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू किया गया। अब यहां पे आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में निगेटिव मार्किंग का कितना बड़ा जो है सहयोग होता है या कितना बड़ा आधार होता है। यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग होती है वो ये तय करता है कि जो एवरेज मार्किंग निकाली जा रही है, यानी एवरेज जो मार्क्स ऑप्टेन, जो मार्क्स प्राप्त किए जा रहे हैं व्यक्ति द्वारा, वो जो निकाला जाता है, तो निगेटिव मार्किंग अगर परीक्षा में है तो वही जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की शुद्धता का आधार बनता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जो अंक निकाले गए हैं, जो प्राप्तांक निकाले गए हैं, वो कितने वैलिड हैं। यानी कि बहुत बड़ा इफेक्ट निगेटिव मार्किंग का पड़ता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और आप जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू कर रहे हैं तो ये फिर गलत हो जाता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसी परीक्षा पर लागू किया जा सकता है जहां पर निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कोई एक अभ्यर्थी जो है 60 क्वेश्चन करके आया है, ठीक है, और दूसरा अभ्यर्थी भी 60 क्वेश्चन करके आया है, ठीक है, और उसकी जो कट ऑफ है वो 80 है। ठीक है, मान लिया जो है उस एग्जाम की जो है कट ऑफ 80 है और पूर्णांक जो है 100 नंबर का पेपर था, 80 कट ऑफ रखी गई है और 60 नंबर एक अभ्यर्थी ने किया है और एक दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थी ने भी 60 नंबर का क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब यहां पर जो है 60 वाले जो अभ्यर्थी है जो कि कट ऑफ 80 है, तो उसने क्या किया कि जो 60 वाला जो अभ्यर्थी है उसने जो है 25 क्वेश्चन और कर दिए हैं। ठीक है, 20 या 25 क्वेश्चन मान लिया और कर दिए हैं तुक्के के आधार पे, तो जब वो तुक्का लगाता है तो उसमें से 20 या 25 में से उसके 6-7 क्वेश्चन ही सही होने की संभावना होती है और वो 6-7 क्वेश्चन जो है इसको सही होते हैं, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होने के चलते और निगेटिव मार्किंग होने के चलते उसके जो है क्वेश्चन के जो नंबर है वो कट जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा अभ्यर्थी है उसने जो है क्या किया है कि जो 60 नंबर जो है वो एक्यूरेट किया, यानी कि 60 के 60 क्वेश्चन जो उसने किए उसको सारे आंसर पता थे और उनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है और उसने उसके बाद जो है कट ऑफ पाने के लिए कोई तुक्के का अनुमान नहीं लगाया है। और जब इस कंडीशन में जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जो है लागू किया जाएगा तो यहां पर जो है क्या होता है कि जिसने जो है क्वेश्चन जो है कम किए थे, क्वेश्चन तो दोनों ने बराबर किए थे लेकिन जिसने तुक्का लगाया था उसका जब प्राप्तांक आएगा, जो मार्किंग आएगी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाने के बाद, उसमें जो है बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, 3 या 4 अंकों की बढ़ोतरी हो पाएगी। जबकि यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया गया जिस अभ्यर्थी ने बिल्कुल जो है 60 के 60 एक्यूरेट क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके जो नंबर में जो बढ़ोतरी होगी वो 10 से 20 अंक, कम से कम 15 से 20 अंक या 10 से 20 अंक तक की बढ़ोतरी हो सकती है और वो क्या करेगा कट ऑफ के नजदीक जो है पहुंच जाएगा। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जो है निगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा बेस है। अगर निगेटिव मार्किंग जो है परीक्षा में नहीं अपनाई गई है तो फिर यहाँ पे जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वैधता जो है खत्म हो जाती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जो वैधता है उसका जो एल्गोरिदम जो काम करता है वो निगेटिव मार्किंग के आधार पर ही ये तय करता है कि एवरेज मार्किंग जो है कितना आना चाहिए, कितना फ्लक्चुएट करना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर बिहार स्टेट 2019 में आपने देखा कि जो एवरेज मार्किंग जो आ रही है उसका जो फ्लक्चुएशन है, यानी किसी का ऑफिशियल आंसर की में अगर 110 नंबर था तो उसका सीधे सीधे 30 नंबर कम हो गया है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये जो है मुझे लग रहा है कि ये निगेटिव मार्किंग इसमें शामिल ना होने के चलते हैं और इस परीक्षा में इसका जो विज्ञापन आया था उसमें जो है निगेटिव मार्किंग को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो मैंने जो है 10 क्वेश्चन जो पूछे हैं मुझे उसके जवाब भी चाहिए। अगर आप लोग को इसके जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि अगर मैंने इसको जो है दिन भर खोजा है और कहीं ना कहीं अगर इसमें निगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वैधता के साथ सहयोग करती है या उसका आधार है तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बिहार स्टेट 2019 में जो अपनाया गया है वो पूरी तरीके से जो है गलत है, उसको जो है नहीं अपनाया जाना चाहिए था। सरकार को इस पर पहले ध्यान देना चाहिए था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है किस प्रकार की परीक्षाओं पर लागू होता है, उसकी जो क्वालिटी जो एक्यूरेसी है उसकी आधार क्या है, उसका जो है बेस क्या है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग ही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का जो है बेस माना जाता है और अभी तक जितनी परीक्षाओं में ऑनलाइन एग्जाम जो होते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जहाँ अपनाया जाता है उसमें जो है निगेटिव मार्किंग सब में जो है देखने के लिए मिली है, कहीं भी पॉजिटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिली है। तो आज के वीडियो मुझे यही कहना था और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल सब्सक्रिप्शन के जो टारगेट है वो होली तक जो है 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिहार स्टेट 2019 और 94 जैसे शिक्षक बहाली से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन इस पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो
जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।